पहले ओवल में दिखाया बाहर का रास्ता और अब लॉर्ड्स में बिखेर दी गिल्लियां। दोस्तों, मोहम्मद शमी बनाम जॉस बटलर की लड़ाई से दूसरी बार बाजी शमी ने अपने नाम कर ली है। जहां पहले एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लिश कप्तान को बाउंसर पर शमी ने चलता किया था, वहीं लॉर्ड्स में तो मोहम्मद शमी ने विकेट पर जमने तक का मौका ही नहीं दिया और एक बार फिर विरोधी कप्तान का विकेट लेकर मुकाबले में भारतीय टीम को फिर से एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे मोहम्मद शमी के आगे फिर से बटलर की एक न चली, जिसके चलते शमी ने लगातार दूसरे मैच में किया बटलर का काम तमाम और भारत को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के इरादे से टीम इंडिया ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड को टफ टाइम देती हुई नजर आ रही है। होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने पहले विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत दिला दी थी। लेकिन यहाँ से भारतीय टीम ने एक के बाद एक विकेट लेकर मुकाबले में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सबसे पहले 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रॉय को 25 के व्यक्तिगत स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। इसके बाद बीच के ओवर में युजवेंद्र चहल की फिरकी ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। चतुर चालाक चहल ने पहले इनफॉर्म बैरिस्टो को पवेलियन भेजकर एक बड़ी कामयाबी दिलाई, फिर जो रूट का बड़ा विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम का टॉप ऑर्डर धराशाही कर दिया। हालांकि अभी भी टीम इंडिया के लिए खतरा टला नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर अभी आने बाकी थे और उनका विकेट हासिल करना भारत के लिहाज से काफी अहम होने वाला था। और यहीं पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी करते हुए मोहम्मद शमी को उनके दूसरे स्पेल में बुलाया। शमी ने पहले मैच में भी जॉस बटलर को आउट किया हुआ था और इसी मंशा से रोहित ने शमी को अटैक पर लाया था, जिसके बाद शमी भी अपने कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे और लगातार दूसरे मुकाबले में उन्होंने जॉस बटलर का काम तमाम कर दिया। मैच के 19वें ओवर में शमी ने एक बेहतरीन गेंद से इंग्लैंड के कप्तान के स्टंप बिखेर दिए और इससे पहले कि जॉस बटलर इस मुकाबले में सेट हो पाते, शमी ने उन्हें केवल 4 रनों पर बाहर का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी कामयाबी भी दिला दी। बटलर का आउट होना ही टीम इंडिया के लिए मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहां से भारत की अच्छी पकड़ मुकाबले में बन गई थी और भारत ने 100 रनों के भीतर आधी इंग्लैंड की टीम को पवेलियन पहुंचाकर मुकाबले में अपना शिकंजा कस लिया था। तो दोस्तों, आप मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।